बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बिजनेस जो है, इसके नाम से हम इसको डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वर्ड मैंने अभी यूज़ किया, लेकिन यह है कि मुख्तलिफ लेवल्स पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मुख्तलिफ मॉड्यूल्स बना दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, BBA में अकाउंटिंग 1, अकाउंटिंग 2, इसके दो बेसिक कोर्सेज होते हैं। समटाइम्स जो है अकाउंटिंग 1 को प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के तौर पे भी ले लिया जाता है, और सेकंड कोर्स को फाइनेंशियल अकाउंटिंग कह दिया जाता है। तो बेसिक कोर्स जो है उसको अकाउंटिंग 1 कहें, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग कहें, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 कहें, ये एक ही चीज़ है। तो वी विल बी डिस्कसिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इन दिस लेक्चर। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है, और इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में एक्यूमुलेट होता है, यूज़ होता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हर एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना इंतहाई ज़रूरी है। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको फिलहाल जो है मैं ओमिट करता हूँ, और स्ट्रेट अवे हम अपने कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करते हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू आवर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू नो टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, क्योंकि वी आर गोइंग टू डू सम अकाउंटिंग। हम जो है किसी भी बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, तो बिजनेस की टाइप्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स वी विल बी डूइंग फॉर वन टाइप ऑफ बिजनेस, तो उसके लिए और तरह से चीज़ें होंगी, दूसरी टाइप ऑफ बिजनेस के लिए और तरह से होंगी। तो इसमें बेसिक जो है टाइप्स ऑफ, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेसेस जी। वो तीन टाइप्स क्या हैं जी? एक है, सबसे पहली है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सेकेंड वन इज मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, एंड थर्ड वन इज सर्विसेज बिजनेस। तो हम उसी तरतीब से इसको डिस्कस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जैसे कि आपके सामने है कि वो चीज़ों को नए सिरे से मैन्युफैक्चर करता है, और उसके तमाम रॉ मटेरियल्स को वहाँ पहुँचाता है, और फिर उसको चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके कस्टमर तक पहुँचाना, ये उसका काम होता है। फॉर एग्जांपल, इन्होंने अमेरिकन कंपनीज जनरल मोटर्स से स्टार्ट किया है कि वो कार्स, ट्रक्स और वैन्स को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद इंटेल जो है वो कंप्यूटर चिप्स को करती है, बोइंग जेट एयरक्राफ्ट्स एंड सो ऑन, जो है मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का अल्टरनेटिव नेम ट्रेडिंग बिजनेस भी है। ट्रेडिंग या मर्चेंडाइजिंग से मुराद ये है कि ये बिजनेसेस बनी बनाई चीज़ें जो हैं खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरर से भी खरीद सकते हैं, और जो है किसी होलसेलर से भी खरीद सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने शहर में जो है नज़दीक तरीन जो है एक एग्जांपल ले लें, मिसाल के तौर पे शॉपिंग क्लब है, ये एक मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। तो अब ये इसके पास मौजूद प्रोडक्ट्स, मसलन लिप्टन येलो लेबल है उनके पास, टिपाल दानेदार है, तो ये मैन्युफैक्चरर से जो है, उसके टी मैन्युफैक्चरर हैं लिप्टन से, ये जो है वहाँ प्रोडक्ट्स परचेज कर लेता है, और फिर ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के तौर पर अपने कस्टमर्स को फरोख्त करता है। ठीक है, रिटेलर है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। तो इसी तरीके से ये आपके सामने कुछ इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी हैं, वॉलमार्ट है, टॉयज आर अस है, इसके अलावा सर्किट सिटी है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर मिलती हैं जो है। इसके अलावा आप लोकल एग्जांपल्स भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये अमेज़ॉन एक बहुत जो है फेमस वेबसाइट है, इससे आप सभी लोग वाकिफ हैं। अमेज़ॉन है, ईबे है, दीज आर मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस और रिटेलर्स और वेरी सक्सेसफुल बिजनेसेस। तो ये दो आपको एग्जांपल समझ आ गई, पहला हो गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दूसरा हो गया मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, एंड नाउ थर्ड वन इज सर्विसेज बिजनेस। सर्विसेज बिजनेस की बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपके इर्द-गिर्द मौजूद हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, ये तमाम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दीज आर सर्विसेज बिजनेस। एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर जो है आप मुख्तलिफ सर्विसेज हासिल करने के लिए जाते हैं, और होटल्स हैं उनमें आप सर्विसेज हासिल करते हैं, सो दीज आर
इसमें एक और एग्जांपल जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने में इसको हेल्प करेगी, दैट इज बैंक्स। बैंकर्स जो हैं वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें दूसरी यूज ज़रूर यूज़ होती हैं, मिसाल के तौर पर उसमें कुछ पेपर वर्क भी होता है, लेकिन उसके अंदर जो प्रीडोमिनेंट जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज ऑफ सर्विसेज। इसी तरीके से जो है मैरियट होटल है एक एग्जाम्पल है, ये हॉस्पिटैलिटी एंड लॉजिंग है, तो होटल्स के अंदर भी जो है ठीक है कि कुछ वहाँ पे खाना भी सर्व किया जाता है, लेकिन खाना जो है वो सर्व करना दैट इज़ नॉट देयर मर्चेंडाइजिंग और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये नहीं आएगा। वो कुछ बनी बनाई चीज़ें ज़रूर वहाँ से ले लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो उनका मेन करेक्टरिस्टिक है जो वो सर्विसेज के अंडर ही ये चीज़ आ जाती है। तो इसी तरीके से एयरलाइंस हैं, डेल्टा एयरलाइन है, उसमें जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये तीन टाइप्स ऑफ बिजनेस शेयर करने का मकसद क्या है, वो यही है कि इसमें अब हम डिफरेंट तरीके से जो है वो मुख्तलिफ बिजनेसेस के लिए अकाउंटिंग करेंगे, और जिस वक्त हम अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो वो हमें जब हमें टाइप्स ऑफ बिजनेसेस पता होंगी तो फिर हम अकॉर्डिंगली उसको बेहतर तरीके से उसकी अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, उसके लिए बेहतर तरीके से हिसाब किताब कर सकेंगे। तो अभी हमने जो पढ़ा वो ये है कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, सो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस एंड सर्विसेज बिजनेस। नाउ वी मूव ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डू अकाउंटिंग फॉर बिजनेस, तो उसमें जो है बिजनेस के कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले जानना जरूरी है, और इसमें साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ, और वक्तन फ़वक्तन दोबारा भी करूँगा कि अकाउंटिंग इज़ फॉर बिजनेस। ये जो हम करने जा रहे हैं, ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, दिस अकाउंटिंग इज़ फॉर बिजनेस। आप सोचेंगे कि इसमें क्या ऐसी खास बात है, तो ये आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है अंदाज़ा होगा कि ये जो मैंने कहा कि अकाउंटिंग इज़ फॉर बिजनेस इसकी कितनी अहमियत है। तो अब हम आते हैं एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट की तरफ कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। पहले हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने के तीन तरीके हैं, और ये थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दिस इज ऑनरशिप स्ट्रक्चर। तो हम ये कह सकते हैं कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप स्ट्रक्चर। तो ऑनरशिप स्ट्रक्चर के हिसाब से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तीन टाइप्स हैं, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तीन अकसाम हैं ऑनरशिप स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो इसमें क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि बिजनेस करने वाले जो है उसका एक अकेला मालिक भी हो सकता है, वो कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है। बहुत सारे लोग अपना पैसा इकट्ठा करें और फिर वो एक कंपनी कायम कर लेते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसको हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह देखेंगे अकाउंटिंग वन में या अकाउंटिंग टू में, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू भी आप इसको कह सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू सम डिटेल्स ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। सो अ प्रोप्राइटरशिप को एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, सोल मीन अकेला। अ प्रोप्राइटरशिप इज ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल। तो ये एक आपके सामने पिक्चर है जिसके अंदर जो है एक अकेले ओनर के का नाम लिखा हुआ है, इट इज जोज बिजनेस, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी और एग्जाम्पल्स भी जो है आप जहन में ला सकते हैं, लोकली भी इंटरनेशनली भी। तो ये एक शख्स का ओन्ड बिजनेस आपके सामने नजर आ रहा है। तो एडवांटेजेस क्या हैं इसके ऑफ डूइंग बिजनेस, इट इज ईज इन ऑर्गेनाइजिंग। एक अकेला मालिक है, उसने इन्वेस्ट करना है, उसकी अपनी डिसीजन मेकिंग है, उसकी अपने जो है वो डिसीजंस हैं, उसने सारे का सारा जो है इन्वेस्ट भी खुद करना है, रिटर्न भी करना है, और छोटा बिजनेस होगा और उसको लो कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी जो है वो पेश आएगी। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली जब अकेला होगा तो फिर वो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होंगे और उसकी
अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। ये बहुत अहम चीज़ है, इसको जो है वो लॉ के हवाले से जो है वो भी जानना ज़रूरी है, डिटेल्स बाद में भी कुछ आएंगी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है, इस वक्त फ़िलहाल अभी हम स्टार्ट में हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी आपने नहीं पढ़े हुए तो बेसिक में है, तो अभी फ़िलहाल ये जान लेना काफ़ी है कि फ़र्ज़ करें कि अगर कोई लॉस होता है तो वो सारी की सारी लाइबिलिटी इस एक अकेले ऑनर की होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे बिज़नेस के ऊपर, बिज़नेस ने कुछ लोगों के पैसे देने, बिज़नेस के ने किसी लोगों के लोन्स देने हैं और एक अकेला ऑनर है, और बिज़नेस में कोई जो है सेटबैक आता है और बिज़नेस जो है वो पे करने की पोजीशन में नहीं है, तो वो एक अकेला ऑनर अपनी ज़ाती कैपेसिटी में, इन हिज पर्सनल कैपेसिटी जो है वो तमाम तर जिम्मेदारियाँ अदा करने का जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। ही विल बी पेइंग ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, ये नहीं है, वो ये नहीं कह सकता वो हो मेरे बिजनेस को लॉस हो गया तो मैं अदा नहीं कर सकता, आप मेरे बिजनेस से जाके ले लें। नो, अगर इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है और के ये अकेला जो सोल प्रोप्राइटर है ये ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लाइबिलिटीज। तो इसको इसलिए कहा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तमाम तर जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पेमेंट्स, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल ही विल हैव टू बियर अगर किसी किस्म का कोई सिनेरियो पेश आता है। और अनफॉर्चुनेट सिनेरियोज के लिए भी यही है और रूटीन मैटर्स में भी यही है कि ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो फिलहाल के लिए इतना ही, डिटेल्स नेक्स्ट किसी जो है लेक्चर में आपके साथ शेयर की जाएगी। A partnership, this is second type of business organization and in this type, जैसे कि लव से जाहर है कि partnership is owned by two or more individuals, दो partners हों या तीन partners हों या इससे ज़्यादा। तो इसके advantages क्या हैं, more financial resources than a proprietorship, इसमें ज़्यादा जो है resources आ जाएंगे, additional management skills होंगी, ज़्यादा लोगों की skills उसमें add होंगी, एक शख्स जो है वो जो है मार्केटिंग स्किल्स रखता है, दूसरा जो है अकाउंटिंग की स्किल्स रखता है, तो वो मिलजुल के बेहतर जो है वो काम कर सकेंगे। डिसएडवांटेज में वही अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो वो तमाम तर जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी होगी अगर इस तरह से बिजनेस को कोई सीवियर लॉस पहुंचता है और बिजनेस को क्लोज करना पड़ता है, और बिजनेस की कुछ लाइबिलिटीज हैं, बिजनेस हैज़ टू पे सम पीपल, बैंक्स, some organization that have given him some loan, तो bankers ने अगर आपको loan दिया हुआ तो तमाम तर partners जो है इसमें responsible होंगे, अपनी ذاتی capacity में भी जिम्मेदार होंगे और तमाम मिलजुल के भी जिम्मेदार होंगे। ये एक partner नहीं कह सकता कि आप जाके मिसाल के तौर पर example में जो एंड मार्टी है तो जो कहे जी कि मुझे नहीं पता, आप जाके मार्टी से पूछ लें और मार्टी कहें कि आप जाके जो से पूछ लें, ऐसा नहीं है, दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे उन लाइबिलिटीज को, उन पेमेंट्स को, क्रेडिटर्स को रकम अदा करने के, और अपनी ज़ाती कैपेसिटी में अलग अलग भी होंगे और मिलजुल के कम्बाइंड भी वो जिम्मेदार होंगे। तो दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड वी विल बी गोइंग इन टू मोर डिटेल ऑफ दिस लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट इन फ्यूचर इंशाल्लाह। थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर स्टेट ऑफ फेडरल स्टैट्यूट्स एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसमें क्या होता है कि एक कंपनी जो है वो कायम हो जाती है, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने पैसा इकट्ठा करते हैं और गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक जो है ये कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है जो कि इसको जो है कंपनी कंट्रोल करता है और इसके अंदर बाकायदा डिटेल्ड लॉ मौजूद है, दैट इज़ कंपनी लॉ। ठीक है, और बिजनेसेस जो है इसके तहत रजिस्टर्ड होते हैं। इसका एडवांटेज सबसे बड़ा यही है टू ऑब्टेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ रिसोर्सेज बाय इशूइंग शेयर्स और स्टॉक्स।
और इसमें डबल डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर डबल टैक्सेशन होती है। डबल टैक्सेशन से मुराद क्या है जी? डबल टैक्सेशन दो तरह से होती है। एक तो ये है कि एक कंपनी है, उसमें इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनको उधर से इनकम हासिल होती है, तो वो उस इनकम पे जो है उनको पर्सनली भी टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा जो है वो कंपनी जिसने ये अर्न किया है, उसने प्रॉफिट अर्न किया है, उसने इनकम अर्न की है, एक बिजनेस है, एक कॉरपोरेशन है, एक कंपनी है, उसकी नेट इनकम पे भी टैक्स होगा। फिर वो जो इनकम उसके ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वो उनकी पर्सनल इनकम बन जाएगी, वो उसकी जाती इनकम बन जाएगी, और वो जाती कैपेसिटी में भी उसके ऊपर डबल ये टैक्सेशन कहलाएगा। यानी कंपनी के ऊपर भी टैक्स और उस इंडिविजुअल के ऊपर भी टैक्स जो कि इस कंपनी में शेयर होल्डर है, मालिक है, उसको उस कंपनी में से प्रॉफिट में से शेयर मिला है, इसको डिविडेंड कहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी टैक्स होगा। इस तरह से डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन का एक और कॉन्सेप्ट भी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेशनली जो है वो करती हैं, बिजनेस करती हैं, तो उसको जो है वो एक मुल्क में भी टैक्सेशन का सामना करना पड़ता है और दूसरे मुल्क में भी टैक्सेशन का सामना करना पड़ता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप डिटेल में इंशाल्लाह किसी वक्त पढ़ेंगे। और ऐसा नॉर्मली इंटरनेशनल जो है बिजनेसेस में होता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी अमेरिका में काम कर रही है, उसका एक बिजनेस का हिस्सा कह सकते हैं कि वो अमेरिका में है, और बेसिक कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो यूके में है, तो अमेरिका में जहाँ पे इसने बिजनेस ने अर्न किया है, इनकम की है, वहाँ पे भी टैक्स लगेगा। फिर वही रकम जो है नेट इनकम जो है वो आप अगर अपने कंट्री में जो है वो भेजेंगे तो यूके इज़ द बेस कंट्री, ठीक है, पेरेंट कंपनी अगर यूके में है तो वहाँ पे जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं तो वो जो है ऑब्वियसली वो अपनी अमाउंट जो है हेड ऑफिस में भेजते हैं कि हमारी पेरेंट कंपनी यूके में है, तो वहाँ पे भी टैक्स लगता है, तो ये भी डबल टैक्सेशन की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मुराद मेनली है वो पहले वाली बात ही है जो मैंने आपके साथ शेयर की कि कंपनी की नेट इनकम भी टैक्स होती है और इंडिविजुअल जो उसका ओनर है जो कि डिविडेंड रिसीव करता है उसके ऊपर इनकम पे भी टैक्स लगता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह।